कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कानपुर में हमराज मार्केट के बगल में एयर टावर में भीषण आग लग गई और देर रात हुए हादसे में इस आग ने एक विकराल रूप ले लिया और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में जुटी हुई है और लगभग 6 घंटे से टावर जल रहा है। साथ ही इस हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग से तबाह हो गए और यह एक अनुमान के मुताबिक 10 अरब से ज्यादा की क्षति हुई है। साथ ही बता दें कि यूपी का सबसे बड़ा रेडीमेड होलसेल बाजार है और दमकल कर्मियों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और मौके पर कानपुर कमिश्नर मौजूद है और अगल बगल के जनपदों से भी मदद ली जा रही है। साथ ही पुलिस के अनुसार हवा की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कत आ रही है और एयरफोर्स आर्मी CCCOD और ऑर्डिनेंस की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है और जल्द ही आग पर काबू पाने की संभावना है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी जो धीरे धीरे भड़कते हुए पूरी बिल्डिंग में फैल गई और पुलिस का ये कहना है कि आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। साथ ही 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी है और पुलिस कमिश्नर ने सेना के अफसरों से संपर्क किया और मौके पर आग बुझाने के लिए सेना की गाड़ियां भी पहुंच गई है।